नमस्कार मित्रों, सृष्टि द्वारा निर्मित वो पांच तत्व जिनसे समस्त जीवन व्याप्त है, जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी, कभी कल्पना की है कि अगर इनमें से एक भी तत्व को हटा दिया जाए तब क्या होगा? ये सोचना मानो रूह का कांप जाना। ऐसा नहीं है कि हम जानते नहीं, जानते सब हैं, फिर भी सिर्फ अपने छोटे से लालच और शौक पूरा करने के लिए हम जिस तरह जल की बर्बादी कर रहे हैं वह सचमुच भयावह है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे एक मंदिर का स्वच्छ जल कुंड हमारे क्रियाकलापों द्वारा दूषित हो जाता है। आज हम सारी पूजा सामग्री के जल विसर्जन से पुण्य के स्थान पर पाप कमा रहे हैं, जलीय जीवों के लिए खतरा बढ़ा रहे हैं, जल को दूषित कर उसकी गुणवत्ता घटा रहे हैं, उस पवित्र जल की पवित्रता का हनन कर रहे हैं। अतः आप सभी से अपील है कि जल को यूं प्रदूषित करना अर्थात अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना ही है। इसलिए हर जलाशय में पूजा सामग्री विसर्जित कर उसे दूषित ना करें, बल्कि उसे जमी दोज करें। यह वीडियो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के रतनपुर नगर में स्थित महामाया शक्तिपीठ मंदिर के जलाशय का है। इस नगर को तालाबों का शहर कहा जाता है, जिस पर मैंने शोध किया है और राज्य व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने शोध पत्र प्रस्तुत किया, तथा आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि अपने बच्चों, रिश्तेदारों, सभी को जल संरक्षण से अवगत कराइए और जल को दूषित होने से बचाइए। आपके द्वारा किया गया यह नेक काम भविष्य में सभी को जल संकट से बचा सकता है। वर्षा जल संग्रहित करें, पंपों का घंटों इस्तेमाल कर व्यर्थ जल न बहाएं, टपकते नल को सुधरवाएं, वृक्षारोपण करें जिससे वृक्षों की जड़ें जल संग्रहण में मदद करें। आपके यह छोटे प्रयास बड़े परिवर्तन ला सकते हैं और मुझे आशा ही नहीं विश्वास है आप जल बचा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। Thank you.